ये लास्ट टूर में किया था मॉडल एरिया क्लियरेंस, ठीक है। स्टॉक हमने लिया हुआ जी है, मॉडल हमने लिया हुआ है, टूल हमने लिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद हमने किया था मॉडल एरिया क्लियरेंस में, 5,000 का स्टेप ओवर है, 5,000 का स्टेप डाउन है, और हमने सिंपली कैलकुलेट कर दिया 1,000 का स्टॉक छोड़। अब कई चीजें सीख सकते हैं हम, जैसे इसी टूल पाथ को मैं अगर राइट क्लिक करके एडिट करके कॉपी टूल पाथ कर दूं तो उसकी एक और कॉपी बन जाती है, दो हो गए, ठीक है। हम ऐसा भी कर सकते हैं कि इसको सेटिंग में जाके यहां से अगर ये वाला बटन दबा दूंगा क्रिएट ए न्यू टूल पाथ बेस्ड ऑन दिस वन, तो भी इसकी ठीक एक कॉपी बन गई है, देखो। है, बट इसका फायदा क्या होगा? बता रहा हूँ, मुझे सांस तो बोलो पहले, समझ जो रसगुल्ला खाया तो उसका सवाल लेना कॉपी कैसे हो गई। तो हम मॉडल एरिया में कॉपी करके इसको रेस्ट मशीन में ऑन कर देंगे और यहाँ से रेस्ट में एक नंबर टूल पाथ सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है, तो उससे क्या होगा, अब सेकेंड टूल पाथ से रेस्ट मशीनिंग होने लग गई, पर हमारे को टूल चेंज करना चाहिए। मान लो मैंने 6-8 रनों का पुल नोवर दे दिया, ठीक है। तो रेस्ट मशीनिंग हमने टूल पाथ नंबर 1 की, ठीक है। तो रेस्ट ठीक है। मशीनिंग की तो स्टेप ओवर मैंने कम कर दिया, स्टेप डाउन भी कम कर दिया, स्टेप ओवर को कर देते हैं 2, स्टेप डाउन को कर देते हैं 1। फिनिशिंग के लिए मटेरियल मैंने कहा 0.25 मटेरियल छोड़ दिया। कॉपी करने का फायदा ये हुआ कि हमने सिंपली रेस्ट मशीनिंग ऑन किया और टूल पाथ क्रिएट किया। अब ये सेकंड वाला टूल पाथ वहीं वहीं जाएगा जहां जहां पहले वाला नहीं जाता है। ओके, जैसे कि वो जो अराउंडेड कॉर्नर है इनसाइड में। इधर भी जाने लग गया क्योंकि टूल छोटा हो गया ना, वो इसलिए उसको जगह मिल रही है। इसकी सेटिंग में जाऊंगा, मॉडल एरिया क्लियरेंस जो हमारा रेस्ट मशीन मिलिंग है उसमें यहाँ पे एक ऑप्शन होती है अनसेफ सेगमेंट रिमूवल, इसको मैं ओके, ऑन कर दूंगा, मैं नहीं चाहता यहाँ जाए, अनसेफ है ये जो ओके क्योंकि हम ड्रिल नहीं ना मार रहे, उसको अगर मैं ऑन कर दूंगा तो उसको समझ में आता है कि यहाँ नहीं घुसना, जगह लेकिन वो जगह, क्योंकि वहां पे जा क्यों रहा था पहले टूर? यहाँ स्टॉक मिल रहा है उसको, ओके तो रॉ मटेरियल मिल रहा है तो इसलिए वो वहां जा रहा है, ओके ओके ओके, इसलिए वहां पे जा रहा है। ओके, ठीक है। तो अनसेफ सेगमेंट रिमूवल करने से वो उसके अंदर जाना बंद कर देगा। जहां जहां पे मैं चलाना है। ओके, अब जो हमारा टूल है ये 2 नंबर है, इसको यहाँ पे 2 नंबर कहेंगे, नंबर ऑफ फ्लोट 1 है, कैलकुलेट दोबारा करना पड़ेगा। इसको सेटिंग में जाओ, इसका टूल नंबर 1 है तो यहाँ पर भी कर देंगे 1, इसको भी कैलकुलेट कर देंगे, ठीक है। कैलकुलेट ओके, इसको भी दोबारा से कैलकुलेट, तो मैंने सिर्फ टूल नंबर चेंज किया ताकि उसको पता लगे कि 1 नंबर टूल कौन सा है और 2 नंबर टूल कौन सा। दो नंबर कौन सा? तो अब मेरे 2 टूल पाथ हो गए, ठीक जी है। मैंने स्टॉक मॉडल क्रिएट किया अच्छा, और 1 नंबर को एक्टिव करा, 1 नंबर को ऐड कर दिया स्टॉक मॉडल में,
इसको एक्टिव ओके किया, दो इसको नंबर भी को, दो ऐड नंबर कर को दिया ऐड, स्टॉक मॉडल, ये दोनों ऐड हो गए, जी स्टॉक मॉडल को कैलकुलेट कर दिया शेडेड करके, कैलकुलेट तो वो हमारे को दिखा रहा है कि पहले में क्या बचा, दूसरे में क्या होता है। पहला था तो क्या था, रफी के पहले बाद ऐसा था क्या फिर बचा, ये री रफी के बाद क्या बचा। फाइंड के बाद था। अब हम चाहते हैं कि ये दोनों टूल पाथ का प्रोग्राम एक ही बने, ओके इतना तो हमारे को आता था, दो प्रोग्राम बनाने की जगह दो एक ही बनाना प्रोग्राम पड़ेगा। बनाने की बजाय एक प्रोग्राम बनाना चाहते हैं ताकि मशीन जब चेंज करे अपने आप को तो वो टूल अपने आप चेंज हो जाए, इसीलिए मैंने टूल के नंबर डाले, तो एक नंबर दो नंबर उसको बताना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, एनसी प्रोग्राम पर राइट क्लिक करके क्रिएट एनसी प्रोग्राम करेंगे और उसको एक्सेप्ट कर देंगे। अभी ये खाली है, हाँ जी ठीक है, ये खाली है, तो मैं क्या करूंगा, एक एक को एक्टिव नहीं करूंगा, तो सीधा टूल पाथ पे राइट क्लिक करके हाँ जी ऐड टू एनसी प्रोग्राम कर दूंगा। एंड टू एनसी मैं ओके एक एक भी कर सकता था, पर उसमें ओके नुकसान क्या है कि अगर मैं एक और टूल पाथ क्रिएट कर दूं तो फिर से मुझे उसको ऐड करना पड़ेगा। करना अगर मैंने पड़ेगा। टूल पाथ को ही ऐड कर दिया उसके अंदर तो वो अब आप अपने आप जितने भी जितने करोगे वो बन, ऑटोमेटिकली हाँ ओके तो अब ये दोनों इसके अंदर आ गए। तो मैं जब इसकी सेटिंग में ठीक जाऊंगा, ठीक है, तो यहाँ पे ये देखो एक नंबर और दो नंबर अपने आप लिखा हुआ है, दोनों ऐड हो गए दोनों ऐड हो गए, जी ठीक है। यहाँ से हमने मशीन बताई कि मेरे को फानुक की मशीन है और ये मेरा नाम है, प्रोग्राम का नाम जो भी रखना है। कुछ भी नाम है, ठीक है, अभी जी भी स्पेस नहीं डालनी था आपने, कई मशीन हाँ में ये डालती चीज है तो ना। मैंने सीख ली। हाँ ये चीज तो मैंने सीख ली है सर। जब फर्स्ट डे जब मैं चला रहा था तो प्रोग्राम कॉपी नहीं हो रहा था मशीन में, तो फिर मैंने अब जिन्होंने मेरे को भेजा था उन्होंने वैसे ही करा भेजा हुआ था, फिर उन्होंने कहा कि इसको स्पेस वगैरह हटा दो, फिर मैंने स्पेस हटाई और कॉपी किया तो कॉपी हो गया। अंडरस्कोर डाल सकते हैं, स्पेस नहीं डाल सकते। हाँ हाँ जी मतलब कुछ ना कुछ करेक्टर होना चाहिए। उसको मैंने डेस्कटॉप पे सेव सेव कर दिया। ठीक है, तो वो जो मेरी है राइट करेंगे, ये है हमारा ये फाइल आ गई, जब ये हमने हमने ये एनसी दोनों टूल प्रोग्राम पाथ। क्रिएट हाँ एनसी प्रोग्राम जब हमने क्रिएट करना है तो हमने राइट पे क्लिक करना है। एक बार राइट पे क्लिक करके जब वो प्रोसेसिंग कंप्लीट करेगा उसके बाद एक्सेप्ट करना है राइट। ठीक हाँ, तो है ये इसने प्रोग्राम क्रिएट कर दिया। ओके ओके जी इसमें अब ये देखो ये T1 लिखा हुआ है, फाइंड करेंगे तो T2 भी नजर आ जाएगा। टूल 1 और टूल 2 ठीक है। तो यहाँ पे पहला टूल बंद हो गया, एंड टूल पाथ 1 हो गया, एंड फिर टूल पाथ 1 चार उसके बाद सेकंड टूल टूल बंद। पाथ टू लिखा हुआ था। तो ये अगर किसी मशीन में ATC लगी हुई है, ऑटोमेटिक टूल चेंजर, तो वो ऑटोमेटिकली टूल जो है चेंज हो जाएगा। चेंज कर लेगा ओके। जैसे मेरी मशीन में तो मुझे मैनुअली टूल चेंज करना पड़ेगा तो उसके लिए आई डोंट थिंक सो ये यूजफुल होगा राइट। ये बंद हो जाएगी वहां पे जाके, टूल नंबर 1 पे जाके हाँ जी बंद ये मशीन जो है ना बंद हो जाएगी वहां पे, जब T2 आ जाएगा ना। हो जाएगी, उसके बाद मैं फिर जब दोबारा टूल चेंज करके रन करूंगा तो फिर वहीं से चल पड़ेगी। हाँ, वहीं से चल पड़ेगा, पर अगर ATC हो तो ये बहुत काम की चीज है। ठीक है, तो हमने टूल बनाना सीख लिया,
गूगल पाथ को कॉपी करना सीख लिया, फिर उसको हमने स्टॉक मॉडल में कैसे ऐड करना है वो भी देखा, फिर हमने उसको जी कोड कैसे जनरेट करना है कन्वर्ट करना जी। तो मेरे ख्याल से काफी चीजें समझ में आ गई, तो स्टेप बाय स्टेप करना है, मुझे पसंद आए तो लाइक करना है, चैनल सब्सक्राइब करना है, गले को इग्नोर करना है, ठीक है।